नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। पीएम मोदी ने राज्यों को दिया आत्मनिर्भरता का मंत्र, कहा लोगों को देसी सामान के उपयोग के लिए करें प्रोत्साहित। शुगर, सिरदर्द, हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के साथ पैरासिटामोल, एस्प्रिन जैसी 84 जरूरी दवाओं की खुदरा कीमत तय। इरडा करेगा शिकायत निवारण तंत्र में सुधार, बीमा भरोसा से कायम रहेगी ग्राहकों की उम्मीद। गोद लेने के कानून से बच्चों के लिए नाजायज शब्द हटाएं, संसदीय समिति ने कहा ऐसा कानून बने जो धर्म से परे हो। अब चोरी हुए स्मार्टफोन का मिनटों में लगेगा पता, IMEI नंबर को लेकर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। अयोध्या में भूमि घोटाले पर हमलावर हुई कांग्रेस, कहा राम के नाम पर लूट रही है बीजेपी को देश माफ नहीं करेगा। लोकसभा चुनाव की भाजपा ने शुरू की तैयारियां, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा दिल्ली में करेंगे समीक्षा बैठक। उत्तर प्रदेश में अब इजराइल की मदद से होगी सब्जियों की खेती, किसानों की बढ़ेगी आय। कोरोना का हर वेरिएंट अब होगा डिटेक्ट, US वैज्ञानिकों ने तैयार किया टेस्टिंग का नया तरीका, कोवार स्कैन दिया गया नाम। एकनाथ शिंदे गुट के साथ बीजेपी लड़ेगी लोकसभा चुनाव, भाजपा शिवसेना गठबंधन ने रखा है मिशन 48 का लक्ष्य। छत्तीसगढ़ में मूंग, उड़द और अरहर की समर्थन मूल्य पर खरीदी को मिली मंजूरी। पंजाब किसान आंदोलन में मारे गए 41 किसानों को मान सरकार ने दिया मुआवजा, दर्ज FIR भी होगी रद्द। रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए RPF को भीड़ नियंत्रण का दिया जाएगा प्रशिक्षण, ताकि सरकारी संपत्ति को नुकसान से बचाया जा सके। अब घर बैठे बनवाए अपना राशन कार्ड, 11 राज्यों में सरकार ने शुरू की कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी की सुविधा। उम्मीदवारों के चुनावी खर्च पर नियंत्रण से ही चुनाव एवं राजनीति में काले धन के प्रयोग को रोकना संभव। नकली ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने वालों से सावधान, पुलिस ने 4 लोगों को धर दबोचा, लाखों का नकली माल जब्त। पासपोर्ट आवेदकों को एक और बड़ी राहत, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। सरकारी तेल कंपनियों को 18,480 करोड़ का घाटा, भरपाई के लिए कंपनियां आगे और बढ़ा सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। ब्रह्मोस मिसाइल को मिली तेज गति, अब भारत में बनेंगे बूस्टर, रूस पर निर्भरता खत्म। कृषि और प्रोसेस्ड प्रोडक्ट का निर्यात 31% बढ़ा, फल और सब्जियों के एक्सपोर्ट में भी बढ़ोतरी। सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में तुरंत रोकी जाए व्यावसायिक गतिविधियां। 2024 में फिर बीजेपी सरकार, गांधी परिवार को जेल, CM योगी बनेंगे गृह मंत्री, टिकैत ने की भविष्यवाणी। CM भगवंत मान की बड़ी घोषणा, MSP से कम रेट पर मूंग बेचने वाले किसानों को दिया जाएगा मुआवजा। चीन पाकिस्तान पर चौकस निगाहें, अब सीमा पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 140 सिस्टम किए गए तैनात। वोटिंग के लिए जनता को जगाएंगे मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी, आयोग ने बनाया ब्रांड एम्बेसडर। चीनी मोबाइल कंपनियां भारत छोड़ने पर हो सकती है विवश, ग्लोबल टाइम्स का दावा, ओप्पो वीवो पर कार्रवाई से पड़ रहा असर। सोशल मीडिया से यारी, बच्चों की सेहत पर पड़ रही भारी, मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही। मौसम के गणित को बिगाड़ रहा जलवायु परिवर्तन, दुनिया भर की एजेंसियों के लिए पूर्वानुमान लगाना हुआ कठिन। खौफ का माहौल बना रहा केंद्र, गैर बीजेपी शासित राज्यों में सरकार चलाना मुश्किल, CM बघेल। स्कूली पढ़ाई में शामिल होंगे खो खो, गिल्ली डंडा और इक्कल दुक्कल जैसे 75 देसी खेल, शारीरिक शिक्षा पर जोर। 3 साल में 7 गुना जानलेवा हुआ लंपी वायरस, संक्रमित गायों के नमूनों की जीनोम सिक्वेंसिंग से हुआ खुलासा। टाटा मोटर्स ने फोर्ड के गुजरात स्थित मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को खरीदा, बड़े स्तर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की उम्मीद। UP में माफियाओं के खिलाफ एक्शन में योगी सरकार, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जब्त की करोड़ों की संपत्ति। चीन के साथ लगने वाली सीमाओं को फुल प्रूफ करने की तैयारी, AI आधारित ड्रोन पर काम कर रहा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नया दाव, 40,000 किसानों को मिली ट्रेनिंग। ट्रांसप्लांट के लिए अब लंबे समय तक जीवित रहेगा ऑर्गन, वैज्ञानिकों ने विकसित की नई तकनीक। जल संकट से जूझ रहे किसानों को मिलेगा सिंचाई सुविधा का तोहफा, 26 अरब रुपए की मंजूरी। मोबाइल की तरह बिजली कंपनी भी चुनने की होगी आजादी, पर करना होगा थोड़ा इंतजार, सरकार कर रही है तैयारी।
नशे के खिलाफ केंद्र की मोदी सरकार ने बदली नीति, बेहतर प्रदर्शन पर अब करेगा 100% फंडिंग। धरती से गायब हो सकते हैं जिराफ, तोता, समुद्री शैवाल समेत कई बहुमूल्य पेड़ और पौधे, ISPBE की रिपोर्ट में किया गया खुलासा। कैंसर के मरीजों को कीमोथेरेपी के दुष्प्रभाव से बचाने की तकनीक विकसित, पीड़ितों को मिलेगा लाभ। चाइनीज मोबाइल पर सरकार का सर्जिकल स्ट्राइक, 12,000 से कम कीमत वाले फोन होंगे बंद, जल्दी हो सकता है ऐलान। विदेश व्यापार नीति को सरकार ने अगले 6 महीने के लिए बढ़ाया, अगले साल आएगी नई पॉलिसी। पीएम मोदी ने की गोधन न्याय योजना की प्रशंसा, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने 5 साल के लिए मांगी GST छूट। वायरलेस जैमर और बूस्टर को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, खरीदने बेचने और इस्तेमाल पर लगाई रोक। बढ़ते मूल्य पर काबू के लिए गेहूं आयात से शुल्क हटा सकती है सरकार, कारोबारियों के लिए तय की जा सकती है सीमा। बीजेपी के संपर्क में ममता के 48 विधायक, TMC में घुट रहा है उनका दम, मिथुन चक्रवर्ती। जनता को फ्री मिले शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली, बेरोजगारों को मिले भत्ता, केजरीवाल ने केंद्र से की मांग। तमिलनाडु में पारंपरिक धान की दिशा में बड़ी पहल, दोबारा खोजी गई चावल की 20 हेरिटेज किस्में। ऑटोमेशन के कारण 20 सालों में 69% नौकरियों पर हो जाएगा संकट, रिपोर्ट में जताया गया अनुमान। प्रधानमंत्री ने युवाओं को छोड़ दिया बेरोजगार, लेकिन अपने मित्रों का भविष्य विदेश तक में किया सुरक्षित, पक्षपात क्यों राहुल गांधी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, उड़ान योजना के तहत 1.5 लाख से अधिक उड़ानें शुरू हुई। QR कोड से लगेगी BJP कार्यकर्ताओं की हाजिरी, 16 अक्टूबर को दिल्ली में JP नड्डा की रैली। ड्रग्स संघ पकड़ेगा युवा तो नहीं होगी जेल, भेजे जाएंगे नशा मुक्ति केंद्र, पॉलिसी तैयार। उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावित 12 जिलों के किसानों में बांटा जाएगा 876 करोड़ रुपए का मुआवजा। दुनिया भर के आसमान में दहाड़ेगा अपना तेजस, भारत के फाइटर जेट को खरीदना चाहता है अमेरिका, अच्छे और देशों की भी बढ़ी दिलचस्पी। अपने लिए संकट खड़ा करने का पर्याय बनी कांग्रेस, राहुल और प्रियंका के वादों को नहीं मान रहे पार्टी के पुराने दिग्गज। दिल्ली में लगा चाइनीज मांझे पर बैन, उल्लंघन पर 5 साल जेल और 1 लाख का जुर्माना। कुष्ठ रोग की दवा की कमी से जूझ रहे हैं मरीज, डॉक्टर्स ने कहा इससे बिगड़ सकती है लोगों की हेल्थ। गुजरात में गूंज रहा परिवर्तन शब्द, उब चुकी जनता को आम आदमी पार्टी की आस, मनीष सिसोदिया का BJP पर वार। नई मल्टी स्टेट को ऑपरेटिव सोसाइटी बनाएगी मोदी सरकार, एक्सपोर्ट हाउस की तरह करेगी काम। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। अब घर बैठे बनवाए अपना राशन कार्ड, 11 राज्यों में सरकार ने शुरू की यह नई सुविधा। जी हां, आम लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने राशन कार्ड से जुड़ी एक नई सुविधा शुरू कर दी है। इस सुविधा का लाभ उठाते हुए आम लोगों को राशन कार्ड बनवाने के लिए इस दफ्तर से उस दफ्तर नहीं भागना होगा। सरकार ने इसके लिए कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी की शुरुआत की है। यह सुविधा अभी 11 राज्यों में शुरू की गई है, जो कि पायलट आधार पर है, बाद में इसे बढ़ाया जाएगा। इस सर्विस का लाभ उठाते हुए बेघर लोग, वंचित, माइग्रेट और अन्य पात्र लोग आसानी से अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं। राशन कार्ड बन जाने से कई सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है, जिसमें मुफ्त राशन का लाभ भी शामिल है। केंद्र सरकार के खाद्य सचिव ने बताया कि कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी को शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्यों की मदद कर राशन कार्ड बनाने में तेजी लाना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीनी मोबाइल कंपनियों पर शिकंजा कसने की तैयारी, 12,000 से कम के फोन की बिक्री पर लगाया जा सकता है बैन। जी हां, चीनी स्मार्टफोन कंपनियों पर नकेल कसने की तैयारी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार कथित तौर पर माइक्रोमैक्स, लावा और कार्बन जैसे घरेलू ब्रांडों को बढ़ावा देने के लिए चीनी स्मार्टफोन कंपनियों पर कम कीमत के स्मार्टफोन बेचने पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है। माना जा रहा है कि सरकार ने यदि ऐसा कदम उठाया तो इससे चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों को करारा झटका लगेगा। टैक्स चोरी से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक में शामिल चीन की मोबाइल फोन निर्माता कंपनियों के उत्पादन के लिए सरकार सीमा तय कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक चीन की फोन निर्माता कंपनियों को 10 से 12,000 तक के मोबाइल फोन बनाने पर रोक लग सकती है, ताकि घरेलू मोबाइल फोन कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्रग्स संघ पकड़ेगा युवा तो नहीं होगी जेल, भेजे जाएंगे नशा मुक्ति केंद्र, पॉलिसी तैयार। जी हां, उत्तराखंड में युवाओं की नशे की लत बढ़ती जा रही है। वहीं अब राज्य सरकार युवाओं की नशे की लत छुड़ाने के लिए एक नई नीति बना रही है। इसके तहत राज्य में जो युवा ड्रग्स या नशे के सामान के साथ पकड़े जाएंगे, उन्हें जेल नहीं बल्कि नशा मुक्ति केंद्र भेजेगी, ताकि वो हमेशा के लिए इस लत से दूर चले जाएं और समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे।
जानकारी के मुताबिक राज्य के गृह विभाग ने स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग के साथ मिलकर एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे जल्द ही शासन के सामने रखा जाएगा और मंजूरी मिलने के बाद उसे राज्य में लागू किया जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।